प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें सिखाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आत्मज्ञानी कौन हो सकता है और आत्मज्ञानी कौन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबों को दिखाया और एक बार फिर से रूबरू किया कि हम सचमुच परमेश्वर के उत्तम वचनों में एक दूसरे के साथ सहभागी हो सकें। द गॉस्पल मिनिस्ट्री पुणे आप सबों का स्वागत करती है एक बार फिर से। प्रियो आइए परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर आज हमारे लिए लेकर आए हैं अपने दास के द्वारा वचन की ओर बढ़ें और आत्मा में उन्नति और तरक्की पाएं। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रिय आज की सुबह उस महापवित्र नाम में जिसकी बदौलत हमारी जिंदगी है, जिसकी बदौलत हमारी सांसें हैं, जिसकी बदौलत ये कायनात जो हम देख रहे हैं, उस महापवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार हम एक उसके ऐसे विचार को हम देखेंगे जो वो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जाता हूँ पर एक पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजेगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें सिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर सवाल आज फिर वहीं का वहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हें सिखाएगा, पर सवाल ये है कि क्या हमने वो आत्मज्ञान, क्या हम आत्मज्ञानी हुए? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये सवाल कई बार उठे हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने पढ़ा होगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और पहले और दूसरे वचन में आपने पढ़ा होगा कि एक अंधा सड़क में जाते समय प्रभु यीशु को मिला, प्रभु यीशु से यीशु को पुकारने लगा कि मुझे चंगाई दे, मुझे बिनाई दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ज़मीन पे थूका और मिट्टी को साना और उसकी आंखों पे लगा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चेलों का यह सवाल था, हे रब्बी तू ये बता, क्या इसने पाप किया या इसके पिता ने पाप किया, कि इसकी माता ने पाप किया या इसके पूर्वजों ने पाप किया? प्रभु यीशु ने कहा, ये किसी ने पाप नहीं किया, ना इसने, ना इसके पूर्वजों ने, ना इसके माँ बाप ने। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जवाब कौन दे सकता है? ये जवाब आम इंसान के बस का नहीं है। ये सवाल शिष्यों ने किया, प्रभु यीशु के शिष्यों ने किया। ये सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। ऐसे सवालों का जवाब वही दे सकता है जो आत्मज्ञानी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने जकई को देखा, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। प्रभु यीशु ने जकई को दूर से देखा और कहा, हे जकई तू नीचे उतरा। शिष्यों ने फिर सवाल उठाया, हे रब्बी तू इस व्यक्ति को कैसे जानता है? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का जवाब था, ये भी दाऊद के कुल से जन्मा परमेश्वर की संतान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिष्यों का जवाब सवाल फिर वही था कि प्रभु तू कैसे जानता है? ऐसे सवालों का जवाब वही दे सकता है जो आत्मज्ञानी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज हमारे सामने भी बड़ा सवाल है। पवित्र आत्मा तो हमारे लिए दिया गया है और कहा है वो तुम्हें सिखाएगा, पर कितने लोग सीख पाए, कितने लोग आत्मज्ञानी हो पाए? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो बहुत अन्य भाषाओं की बोली बोलते हैं, कहीं हम ठंठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ तो नहीं है? प्रिय आत्मज्ञानी होने का रहस्य क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग अन्य भाषा तो कहते हैं पर आत्मा का ज्ञान दूर से दूर तक नज़र नहीं आता। प्रिय अगर आत्मा का ज्ञान दूर से दूर तक जीवन में कहीं नजर आता तो प्रियो जिंदगियां बदल जाती। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस स्वर्ग के सकरे रास्ते पे फूल खिले नजर आते और वो सकरा रास्ता परमेश्वर का धन्यवाद हो सुनसान नहीं होता। ये लोग उसकी रौनक बन जाते, हम लोग उसकी रौनक बन जाते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर सच्चाई यही है, हम अन्य भाषा तो बोलते हैं, स्वर्गदूतों की सी बोली तो बोलते हैं, पर आत्मा के ज्ञान का दूर से दूर तक कोई वास्ता हमसे नजर नहीं आता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, आज हमारे अंदर आत्मज्ञानी होने का बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम से बचना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर यदि आपको लगता है कि आपने अन्य भाषा का वरदान पाया और आप आत्मज्ञानी हो गए, तो प्रियो आपका सवाल ये कतई
दुरुस्त ना होगा कि आप किसी सेवक से और किसी खादिम से पूछते हो, खुदा ने मुझे कौन सा वरदान दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी पवित्र आत्मा कौन सी है, मेरी अन्य भाषा कौन सी है, ये कैसे वाहियात सवाल हैं। प्रिय परमेश्वर का सच्चाई यही है, इसका सीधे अर्थ यह है, तुम झंझनाती झान जैसी बोली तो बोल रहे हो पर आत्मा का ज्ञान अभी भी बहुत दूर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आपको लगता है कि आप आत्मज्ञानी हो चुके हो तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ ये दिन के उजाले में भी साफ तौर पे दिखाई देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिनके पास, जिन लोगों ने आत्मा का ज्ञान पाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 15-16 वचन में लिखा है कि दिया, वचन कहता है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। कि दिया जला के कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, वो ऊपर रखता है, वो ऊंचा होता है। आत्मज्ञान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। अगर आपको लगता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि आप आत्मज्ञानी हो गए हो, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज़रूर एक बार अपने भीतर झांकना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। आज बहुत लोग इसी भ्रम की दुनिया में हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा का ज्ञान ऊंचा होता है, वो दिन के उजाले में भी उतना ही प्रखर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो ऊँचे पे प्रकाश देने वाला होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आजकल हमारे यहाँ परमेश्वर का सच्चाई ऐसी है, हमारे यहाँ तो बड़ी रेस लगी हुई है, हमारे यहाँ तो बड़ी दौड़ लगी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ कोई कन्वेंशन में आ जाओ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई ऐसी है, हाँ आपके लिए घोषित किया जाता है कि आप अभी आत्मज्ञानी हो गए हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञान किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है, आत्मज्ञान किसी मनुष्य के दिए हुए मुहर करने के मुद्रांकित होने का नाम नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी हम अपने आप को देखें तो आत्मज्ञान की बहुत कमी है। यदि सचमुच में आपने आत्मज्ञान पाया है तो ये बात हमारे ही भीतर प्रकाशित हो जाएगी, अभी हम इस ज्ञान से बहुत दूर हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञान पाना होगा। प्रभु यीशु की रूह, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु हमारा उद्धारक है, मुक्तिदाता है, मार्ग सत्य वो जीवन है, लेकिन वो एक ऐसी रूह है जिसमें आत्मा का प्रखर ज्ञान है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना ऐसे सवालों का जवाब या ऐसे सवाल उससे पूछता कौन। यार रब्बी तू बता, तू इस जगह को कैसे जानता है, यार रब्बी तू बता ये अंधे का पाप क्या है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आत्मा का ज्ञान उन्हीं के भीतर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसके प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके प्रेम में तरतर हो गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज्ञान और आत्मज्ञान में बहुत फ़र्क है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है हमने बहुत संसार का ज्ञान पाया होगा, ये स्थूल ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान में बहुत ही फ़र्क है। प्रिय ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी और आत्मज्ञानियों में बहुत फ़र्क है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सीधा सरल उदाहरण है, प्रभु यीशु के जन्म के समय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तीन ज्योतिषी आए, तीन एस्ट्रोलॉजर्स आए, महान बुद्धिजीवी लोग आए, उन्होंने कहा कि हमने आसमान में एक ऐसा तारा देखा है, उससे ये साबित होता है कोई राजा जन्मा है। उनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञानी होना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तो हमारा जीवन ऐसा है हथभर घघरी छलकत जाए, लोटे में थोड़ा सा पानी है छलकता तो बहुत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, देखो अपने आपको, हम थोड़ी अन्य भाषा का वरदान हमें क्या मिल गया, हमें भ्रम में आ गए कि हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, बचना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस धोखे में फंस मत जाना, ये धोखा तुम्हें किसी भी
स्तर तक ना पहुंचाएगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये धोखा जो है आपको आत्मा के किसी भी दर्जे तक ना पहुंचा पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही कारण है कितने लोग अन्य भाषा का वरदान पाया है लेकिन न जाने कहाँ पड़े हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, देखना होगा अपने आप को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, झांकना होगा अपने भीतर, समझना होगा अपने आप को, या प्रभु क्या मैंने आत्मज्ञान पाया है। तेरा वचन तो कहता है तेरी आत्मा आगे आगे चलेगी, सिखाएगी। उस पवित्र आत्मा ने सिखाया हुआ है कहाँ, वो ज्ञान कहाँ है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ढूंढना होगा। अगर नहीं है तो ये मान लो अभी भी हम भ्रम में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका उसकी खोज में निकलना होगा। प्रियो भ्रम में सफलता नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आपको आत्मज्ञानी होने का ही भ्रम है तो सफलता कभी ना मिलेगी, कभी ना मिलेगी, क्योंकि इसमें सफलता का बीज दूर से दूर तक कहीं है ही नहीं। आत्मज्ञानी होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक आदर्श मार्ग पे चलना पड़ता है, एक परिश्रम के मार्ग पे चलना पड़ता है, त्याग के मार्ग पे चलना पड़ता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आत्मज्ञानी इसलिए हो गया, उसके सामने उसके पिता का आदर्श था। प्रभु यीशु ने अपने पिता के सारे आदर्शों को हमारे सामने रखा। प्रभु यीशु कहता है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझसे कहता है मैं वही कहता हूँ। आत्मज्ञानी होने का सबसे पहला रहस्य है आदर्श। यदि तुम्हारे सामने आदर्श ही नहीं है तो तुम चाहे स्वर्गदूतों की बोली बोलो, चाहे कितनी अन्य भाषा बोलो, तुम ठंठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ हो, इसके अलावा और क्या है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, और इससे बढ़कर परिश्रम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, संत पॉल कहता है हमने परमेश्वर की सेवा तो की है और बढ़कर परिश्रम भी किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मेरे यीशु ने तो हमारे लिए एक ऐसा आदर्श छोड़ दिया, वो कहता है आए परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके जीवन में आदर्श नहीं है, जिसके जीवन में परिश्रम नहीं है, जो कष्ट करना नहीं चाहता, ऐसा लोग कभी परमेश्वर में आत्मज्ञान नहीं पाएगा। तुम्हारी ये अन्य भाषा की बोली जो तुम्हारे ही खुद के समझ में ना आए, ऐसी बोली बोल के होगा क्या। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो आत्मज्ञान पाना है हमें, आत्मज्ञान पाना होगा। हाँ, भ्रम से छूटना होगा। जब तक तुम्हारा भ्रम ना टूटे, जब तक हमारा भ्रम ना टूटे, हम आत्मज्ञानी नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आध्यात्मिक जीवन धोखा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये भ्रम जो है, हाँ, ये तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन धोखा हो जाएगा, बिना आदर्श, बिना परिश्रम के। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, आध्यात्मिक जीवन में जय कहाँ से आएगी, हो नहीं सकता। इसलिए प्रियो दुरुस्त होना होगा अपने आप को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आदर्शविहीन, कष्टविहीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। घमंड महसूस कर रहे हैं, आदर्श है ही नहीं, हाँ, परिश्रम है ही नहीं, घमंड महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम साबित करना चाह रहे हैं कि हम भी कुछ हो गए हैं, हम भी थोड़ी अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत दूर है आत्मज्ञान, अभी तो बहुत आदर्श चाहिए तुम्हें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे सामने कोई आदर्श चाहिए, तुम्हें जीवन में आदर्श चाहिए, परिश्रम चाहिए, बिना परिश्रम के तो हो ही ना पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, याद रखो भ्रम अनुभव नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको लगता है आपने कोई स्वप्न दर्शन देखा, अन्य भाषा बोल ली, तो प्रियो बिना अनुभव के सफलता नहीं है, बिना आदर्श और परिश्रम के कुछ भी नहीं है, और भ्रम अनुभव हो ही नहीं सकता। अनुभव साथ चलने का नाम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर कदम आगे बढ़ने का नाम है, मंजिल के करीब जाने का नाम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भ्रम अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञान हो सकता है, क्योंकि अनुभव में आत्मज्ञान प्राप्त कर किया जाता है। अनुभव मार्ग से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, बिना अनुभव मार्ग के गए कोई आत्मज्ञानी कतई ना हो पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे यहाँ तो हमने देखा, हमारे संसार में कुछ लोग ऐसे हैं मानो जीवन में कोई नशा सा चढ़ गया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुभव पाने के लिए, हाँ, आत्मज्ञान पाने के लिए
नशे में धुत हो जाते हैं, और जिस पल नशा उतर गया ज्ञान भी समाप्त हो गया। परमेश्वर धन्यवाद। आत्मज्ञान क्या है ये पता ही नहीं। प्रिय परमेश्वर का सच्चाई यही है, आज हमारे समाज की सच्चाई यही है। हम अन्य भाषा बोलने लग गए, हम बड़े उतारू हो गए, हम बड़े उतावले हो गए। बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी प्रिय, पर सच्चाई यही है। हमारे अंदर भ्रम हमने बना के रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन सच्चाई ये है। आत्मज्ञान क्या है दूर से दूर तक हमें पता ही नहीं है। आत्मज्ञान तो जैसे मैंने आपसे 2-3 उदाहरण दिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चेले खुदावंद यीशु मसीह से पूछते, प्रभु तो इस आदमी को, इस जगह को कैसे जानता है, कब से जानता है, तो इसका नाम कैसे जानता है। यही है वो आत्मज्ञान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिससे तुम्हें अचरज होता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, ये केवल दिमाग का फितूर है, कोई रोशनी अंदर दिखाई तो नहीं देती, हाँ लेकिन हमारे अंदर फितूर पड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लोग तो आपको लालच दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ आओ, अन्य भाषा का वरदान पाओ। फितूर है ये प्रियो, इस फितूर से दूर भागो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें रोशनी है ही नहीं, और यहाँ तक कि रोशनी बुझी भी नहीं है, क्योंकि जो जलाई नहीं उसका बुझने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो दूर से दूर तक कोई दिए की भी कोई खबर नहीं है, कि अगर दिए की भी कोई खबर होती तो शायद दिए के जलने की भी कोई खबर आ जाती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन दूर से दूर तक दियो की भी कोई खबर नहीं है, तो रोशनी तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मज्ञान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऊपर से आने वाला शक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी लोगों की भीड़ में जाकर कोई पा लेना, कोई सर्टिफिकेट पा लेना, हाँ, या कोई उतावली या फिक्र को हासिल कर लेना, कोई भ्रम में जाके बैठ जाना, प्रियो ये आत्मज्ञान नहीं है। या अन्य भाषा जैसी भाषा, अन्य भाषा जैसी भाषा बोल रहे हो, तुम्हें अब तक पता नहीं कि तुम होश में हो या होश में हो भी नहीं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आत्मज्ञान तो स्वर्ग से आता है, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। फिर बार बार कह रहा हूँ ताकि इस बात को तुम सोचो, आत्मा तुम्हें सिखाएगा, लेकिन आज तक तो कुछ सिखावा या सिखाया हुआ दिखाई नहीं देता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस आत्मज्ञान को पाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन तो कहता है कि हाँ, जो तेरे सामने आया इसको खा ले और पचा ले, ये तेरे पेट को कड़वा करेगा। आज हम अपना पेट कड़वा नहीं करना चाहते, आज हम परमेश्वर के कड़वे वचन को सुनना ही नहीं चाहते। हमको अपने धुन में जीने दो, हमें अपने भ्रम में जीने दो, बस ये ख्वाहिश हमारी है। प्रियो सरासर गलत हो जाएगा, छोटी सी जिंदगी है, यूं ही ज़ाया ना हो जाए। इसलिए खुदा का खौफ करो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को जांचो, एक नशे से बाहर आओ, झूठे भ्रम से बाहर आओ। आत्मज्ञान की ज्योति स्वर्ग से आती है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, आत्मज्ञान की ज्योति तो स्वर्ग से आती है, और हमारे मन, वचन, कर्मों को ऊंचे दर्जे तक ले जाती है। जिसने आत्मज्ञान की ज्योति ही नहीं पाई, ना उसका मन, ना उसका वचन, ना उसका कर्म कभी श्रेष्ठ ना हो पाया और ना श्रेष्ठ हो सकता है। किसी का भी, किसी मनुष्य का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी मनुष्य का मन, वचन, कर्म तभी श्रेष्ठ हो पाता है जब वह आत्मज्ञान की ज्योति पाता है। आत्मज्ञान की रोशनी उसके तन बदन में फैल जाती है। प्रियो ऐसे व्यक्ति के परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका मन निराला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मेरे खुदा के लोगों के विषय में कहा है, उनका तो मन ही निराला है। मेरे यीशु का भी मन निराला है। वो कहता है लोग उसे बताते रहे, वो सहता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा मन बड़ा अजीब सा सवाल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के खुदा के लोगों का मन निराला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसीलिए उनके वचन भी महा अद्भुत है, उनके कर्म तो आश्चर्य से भरे हैं हम आम इंसानों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो रोशनी से भर गया उसका मन, वचन, कर्म, बस सब कुछ बदल जाता है, दर्जे पे ऊंचा हो जाता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके अंदर आत्मा के फूल खिलने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति
परमेश्वर का धन्यवाद, मन वचन कर्म सब उच्च दर्जे का हो गया, आत्मा के फूल खिलते हैं। शारोन का गुलाब, शारोन का गुलाब है क्या आत्मा का फूल? हाँ, वो तुम्हारे अंदर खिलेगा, इसके अंदर परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, शारोन का गुलाब परमेश्वर का धन्यवाद वो आत्मा का फूल है। और शारोन का गुलाब क्या है? आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन में तो लिखा है वो शारोन का गुलाब है और वादियों का शोषण है, गहराइयों में खिलने वाली बात है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो, शारोन का गुलाब आत्मज्ञान है। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आत्मा का फूल आत्मज्ञान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, शोषण लिली, लिली ऑफ द वैली, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये शोषण का फूल क्या है? ये आत्मज्ञान का प्रकाश है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दो फूल गहराई में क्यों उगे हैं? ये गहराई में उगने वाला आत्मा का ज्ञान है और एक आत्मा के ज्ञान की ज्योति है। प्रियो, कांटा तो परिश्रम है, गुलाब के भीतर जो कांटा है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कांटा तो परिश्रम है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और खूबसूरती आदर्श है। न जाने कितने लोगों को खींच लेती है अपनी तरफ उसकी खुशबू, ऐसा आदर्श है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, शारोन का गुलाब, फिर कह रहा हूँ, ये तो आत्मज्ञान का फूल है, ये तो आत्मज्ञान है। और शोषण, परमेश्वर का धन्यवाद हो, शोषण का फूल तो आत्मज्ञान की रोशनी है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परिश्रम के साथ पाना है, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अन्य भाषा बोलना ही काफ़ी नहीं है, उसका ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके लिए परिश्रम में हद से गुजरना होगा प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तभी तुम अच्छी भावना, अच्छी पवित्रता और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छी परिस्थितियाँ तुम्हारे भीतर पैदा होंगी। आज हमारे भीतर, हम अन्य भाषा की बोली तो बोलते हैं, अच्छी परिस्थितियाँ हमारे भीतर आज तक पैदा नहीं हुई, हमारे भीतर का छल और कपट आज तक गया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छी भावना और पवित्रता और अच्छी परिस्थितियाँ निर्माण ही कभी नहीं हुई है। ये शारोन की वादियों में ये फूल यूं ही नहीं खिलते, वादियों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ पे शारोन का गुलाब खिल सके और वादियों का शोषण खिल सके। अच्छी परिस्थितियाँ केवल अन्य भाषा बोलने से आपके भीतर पैदा नहीं होगी, आपका मन वचन कर्म का दर्जा यूं ही ऊँचा नहीं होगा प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिश्रम में हद से गुजरना होगा प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब आपको किसी से ये पूछना ना पड़ेगा, बताओ ना कि प्रभु ने मुझे कौन सा वरदान दिया है। आज बहुत लोग अन्य भाषा बोलते तो हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, कहाँ है, कौन है, क्या है। याद रखना, वचन में तो यहाँ तक लिखा है, शैतान भी अन्य भाषा जैसी बोली बोलता है, हाँ, उसे पता भी नहीं होता। बहुत लोग आज ही इस उलझन में उलझे हुए हैं, मुझसे भी हजारों से ज़्यादा लोगों ने आज तक ये पूछा है कि बताइए तो हमें कौन सा वरदान मिला। जिस दिन तुम्हारे अंदर अच्छी भावना, पवित्रता, अच्छी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाएगी, आपके भीतर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा का ज्ञान और प्रखर प्रकाश निर्माण हो जाएगा, उस दिन ये सवाल तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा, ये सवाल तुम्हारा नहीं होगा, तुम तो आत्मज्ञान से भर जाओगे। लेकिन आत्मज्ञान पाना सहज नहीं है, बहुत परिश्रम से गुजरना होता है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग तो मुझसे ये भी पूछते हैं, बहुत हास्यपद है, पास्टर जी बताइए ना, मेरी अन्य भाषा ठीक है क्या? अन्य भाषा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी अन्य भाषा ठीक है क्या? जिसको तुम ठीक कर सको वो तो तुम्हारी ही भाषा हुई, अन्य भाषा को क्या कोई ठीक करेगा या कोई उसको सही है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम कैसे उसे ठीक करोगे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत भीतर ही भीतर हास्य निकलता है, बड़ा व्यंग है ये, बहुत लोग पूछते हैं, पूछा है लोगों ने मुझसे, हमारी अन्य भाषा ठीक है क्या? जिसको तुम ठीक कर लो वो अन्य भाषा हो ही नहीं सकती, वो स्वर्गीय बोली हो ही नहीं सकती। तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है कि स्वर्गीय बोली को हम दुरुस्त करें?
पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारी है ही नहीं, हमारी ओर से ही नहीं है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, निरी मूर्खता ही तो है ये, निरा भ्रम तो है ये। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें आत्मज्ञान कहाँ है, दूर से दूर तक नहीं है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत लोग अपनी ही बढ़ाई के लिए लगे पड़े हैं, चाहते हैं कि लोग मेरी भी कोई तारीफ़ करें। ये तारीफ़ किसके लिए चाहिए? सारी तारीफ़ तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह की है, सारा जलाल उसका है, सारा मान महिमा गौरव उसका है। हम तो अपनी तारीफ़ बटोरने में लगे हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखना, हम तारीफ़ बटोरने में लगे हैं, तारीख के साथ हम मिट जाएंगे। जो तारीख के साथ मिट जाता है, तारीफ़ कभी उसकी नहीं होती। जो अनादि और अनंत है, तारीफ उसकी है। तारीख के साथ मिटने वालों की कोई तारीफ नहीं होती। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जो सच्चा आत्मज्ञान पाया, जो सच्चा आत्मज्ञान की ज्योति पाया, उसके तो नींद में भी, बंद आँखों में भी, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उजाले होते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाहर तो अंधेरा है लेकिन भीतर रोशनी भरी पड़ी है, उजाले भरे पड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसे ही लोग वो हैं जिनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय में पहले वचन में कहता है, उठ प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा सूर्य तुझ पे उदय हुआ है, उठ प्रकाशमान हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कौन लोग हैं? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच्चा आत्मज्ञान पाया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। जिन्होंने उस ज्ञान को पा लिया, धन्य है वे लोग, सलाम है उनको खुदा में मेरा, जिन्होंने उस आत्मज्ञान को पाया है। खुदा उनका धन्यवाद हो। ऐसे लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके ऊपर धर्म का सूर्य उदय होता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मलाकी 4:2 भी यही कहता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन पे धर्म का सूर्य उदय होता है। प्रियो, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 3 और 4 वचन में तो लिखा है कि वचन कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। में तो लिखा है कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तब तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे वचन में लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तब तुम सिद्ध हो जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। आज देखिए, हम कितने लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितने लोग हैं जो सिद्धता तक पहुँचे हैं, कितने लोगों ने इस सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करी है, कितने लोग सिद्ध हो पाए हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, हमारे बीच में अन्य भाषा बोलने वाले बहुत लोग हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन आज तक सिद्ध लोग समझ में नहीं आए। सिद्ध लोगों की न जाने गिनती शायद 1-2 में हो या कुछ में हो, खुदा जाने। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, धीरज को अपना काम करने दो। आज हमारे जीवन में बड़ी उतावली है, हम थोड़ा अन्य भाषा क्या बोलने लगे, हम तो सोचते हम खुदा हो गए, अब हमसे बड़ा ज्ञानी कोई ना होगा। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन में लिखा है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। प्रियो, हम अधूरी बात को लेकर दौड़ रहे हैं, आत्मा के ज्ञान की कोई समझ नहीं है। धीरज बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे अंदर तो उतावली इतनी है। आज कोई अन्य भाषा का वरदान मिला, हम सोचते हैं अब अगले इतवार को हम जाके कितनी ज़ोर से चिल्ला के लोगों को बता दें कि हमने ये पाया। बड़ा धोखे की बात है, बड़ा भ्रम है। प्रियो, धीरज तो अभी धरना है, अभी तो धीरज की बारी है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, वचन कह रहा है, हाँ, तब तुम सिद्ध हो जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना आत्मज्ञान पाए सिद्ध कैसे होगे? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी तो तुमने धीरज धरा ही नहीं है, धीरज की कोई शुरुआत भी नहीं हुई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, किस ज्ञान को लेके दौड़ रहे हो? क्या गड़बड़ाहट की बोली लेके जाओगे क्या?
प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप भी ठोकर खाओगे और दूसरों को भी ठोकर खिलाओगे। वचन तो कहता है श्रापित हो व्यक्ति जिसके कारण कोई दूसरा ठोकर खाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बचना होगा हमें, जरूरी है बचना होगा। आज का वचन इसीलिए है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुद्धि और समझ का वचन है आज। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बचना होगा हमें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस भ्रम से धीरज को अपना पूरा काम करना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धीरज तो अपना काम पूरा तब करेगा जब तुम धीरज धरोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धीरज के लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए, बहुत सहना होता है, आदर्श बनना होता है, आदर्श को थामे रहना होता है, परिश्रम करना होता है, लेकिन ये दूर से दूर तक समझ में नहीं आता। हाँ प्रियो, आपने सुना कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ ये प्रोसेस तो कंप्लीट होना ही चाहिए। पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम्हारे आगे चलेगा, तुम अन्य भाषा बोलोगे, लेकिन इसके आगे लिखा है तुम्हें वो सिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञानी होना सहज नहीं है। हमने केवल अन्य भाषा बोल ली लेकिन आत्मा के ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धीरज को परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना काम पूरा करने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंगूरों में रस भरने दो। कच्चे अंगूर हमेशा खट्टे होते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंगूर का अर्थ है अभिषेक। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभिषेक को लबालब भरने दो, और ये अभिषेक लबालब तब भरेगा जब तुम धीरज को अपना काम पूरा करने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए जब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो धीरज अपना काम पूरा ना करे, तुम अपने रसकुंडों को भरा ना पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंगूर की बारियां भरी नजर ना आएगी, अभिषेक से भरे लोग नजर ना आएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और दो कदम और आगे बढ़ो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञानी होने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर का धन्यवाद हो, आदर्श को थामे रहो, परिश्रम को पूरा करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें पता चल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और दूसरे और तीसरे वचन में जैसे लिखा है, ये कृपा का स्वाद तुम चख लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञान तो कृपा का स्वाद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मनुष्य की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से आता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो लोग जान पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो कृपा का स्वाद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बहुत बेशकीमती है, कोई ये साधा नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो सब चखेगा वही जान पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आत्मज्ञान का स्वाद कैसा है, ये कृपा का स्वाद है कैसा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और जब तक तुम स्वाद ना चखोगे तुम इस भ्रम में ही रहोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, कृपा का स्वाद। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, पांचवी बार कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा के विषय में कहा है वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें सिखाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत लोग बार बार कह रहा हूँ कि बहुत लोग केवल अन्य भाषा ही पाना पूर्ण समझ लेते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन आत्मज्ञान जो पवित्र आत्मा सिखाने वाला है उससे वंचित है आज, ये हमारे लिए विडंबना की बात है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, हमारे लिए बड़े खेद की बात है, हम सिद्ध नहीं हुए क्योंकि धीरज हमारे अंदर है ही नहीं। ये तो ऐसा वरदान है, कोई कोई पाता है। उतावली तो बहुतों के अंदर है, उतावली से तो संसार भरा पड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन धीरज कौन पाता है, धीरज भक्तों के अंदर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु परमेश्वर का सच्चा धीरज उसके साधकों के अंदर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो सिद्धता के रास्ते पे चल पड़े हैं, ये धीरज तो उनके अंदर है जिन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया, ये धीरज का वरदान तो उनके अंदर है। ऐसे लोग आत्मज्ञानी होने के रास्ते पर है, क्योंकि अनुभव मार्ग से जाने वाला लोग है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर चीज़ का अपना समय है, हर चीज़ की अपनी प्रक्रिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो, हमें और आगे बढ़ना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अन्य भाषा बोलना ही
काफ़ी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमें आत्मज्ञानी होने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हो कि मसीहत में मैं जीऊँ, मसीहत में मैं मरूँ, संत पॉल के समान मेरी बात रहे कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे, आपके अंदर हौसले चाहिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके अंदर धीरज चाहिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ आपके अंदर धीरज को अपना काम पूरा करने देने तक संयम रखना चाहिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग धीरज तो बांध लेते हैं लेकिन संयम टूट जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धीरज से एक कदम और आगे संयम है प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ संयम से धीरज नहीं है, धीरज से संयम है प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग धीरज तो रखते हैं लेकिन संयम का बांध टूट जाता है, संयम के इस तरफ जल भरा पड़ा है लेकिन बांध टूट जाए तो तबाही है प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए धीरज जिस पल अपना काम पूरा कर लेता है, वचन कह रहा है कि लोग सिद्ध हो जाओगे, तुम पूरे सिद्ध हो जाओगे, तब संयम का बांध टूटेगा नहीं, तुम्हारे जीवन की खेती को सींचेगा, बहुत प्यासों के लिए तृप्ति का कारण हो जाएगा, संयम का बांध ना टूटे, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत लोग अन्य भाषा में इतनी उतावली है, संयम का बांध कब का टूट चुका, धीरज का तो लापता है प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा ना हो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, छठी बार कह रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। आज हमें ज़रूरत है, अशद और अहम ज़रूरत है कि हम आत्मज्ञानी होएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा का ज्ञान पाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा की रोशनी पाए। जैसे आपने सुना शारून का गुलाब आत्मा का फूल है, शारून का गुलाब आत्मज्ञान है, और सूसन का फूल लिली, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आत्मज्ञान की ज्योति है, वादियों में गहराइयों में खिलती है क्योंकि वहाँ पे अच्छी भावना है, पवित्रता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छी परिस्थितियाँ हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञान खिल जाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञान की ज्योति प्रखर हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपके अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हैं क्या कि आप आत्मज्ञान पा सको, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें अपने भीतर एक ऐसी परिस्थिति को निर्माण करना होगा जो हमारे अंदर आत्मज्ञान को ऊंचा कर सके, बुलंद कर सके। प्रियो दो चार दिन की उपास और प्रार्थना, दो चार दिन का ताली बजाना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तुम्हें आत्मज्ञानी न बनाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो तुम्हें और अहंकारी बनाएगा, तुम्हें हठधर्मी बना देगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें लगेगा या खुदा तेरे लिए मैंने उपवास रखे, मैंने तेरे लिए स्तुति करी, तालियां बजाई, हाँ तूने मेरा काम क्यों नहीं किया, बड़ा अहंकार है ये तो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दो चार दिन की प्रार्थना, ये दो चार घड़ी का ताली बजाना, दो चार घड़ी की प्रार्थना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आत्मज्ञानी नहीं बना सकती। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, संयम को, धीरज को पूरा काम करने दो, तब सिद्ध हो जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ सिद्धता का रास्ता यही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सिद्ध हुआ व्यक्ति आत्मज्ञानी ही तो है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए सबोदेश की पुस्तक में उसके 30 अध्याय और 11 वचन में आप सुने क्या लिखा है। वचन कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादिकाल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हर चीज़ अपने समय पे पूरी होती है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मनुष्य के भीतर अनादि और अनंत का ज्ञान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ हर चीज़ अपने समय पे सुंदर होती है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये आत्मज्ञान से बढ़कर सौंदर्य किसका है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ा खूबसूरत है ये खिला हुआ फूल है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो शारोन का गुलाब है, वादियों का सोसन है। हर चीज़ अपने समय पे पूरी होगी, पर धीरज को अपना पूरा काम तो करने दो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो बस हथ पर घघरी छलकत जाए,
छोटे से लोटे में थोड़ा सा पानी लेकर भाग पड़े हैं। हमें लगता हमने अन्य भाषा का वरदान पा लिया, न जाने हमने क्या जीत लिया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस भ्रम से बाहर निकले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बात मेरे लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके ऊपर दोष लगाना नहीं है प्रियो, आपको और जगाना है और बहुतों को जगा के जागृत करना है। तुम मसीह यीशु के हथियार हो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम रूह की तलवार हो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर के योद्धा हो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जागना होगा हमें, इस भ्रम से निकलना होगा हमें प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हटा दो ये भ्रम। हाँ प्रियो, अनादि और अनंत का ज्ञान उसने हमारे भीतर डाला हुआ है और वचन कह रहा है बहुत खूबसूरत और सुंदर बात है। हर चीज अपने समय पर सुंदर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मनुष्य के भीतर आदि और अनंत का ज्ञान भी उस वही डालता है और उसी ने डाला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर के ध्यान में मस्त हो जाओ। केवल अन्य भाषा ही पर्याप्त नहीं है, इससे आगे और दौड़ आगे लगानी होगी और सीढ़ियों को चढ़ना होगा। कि वचन तो स्पष्ट रूप से कहता है अन्य भाषा अनजानों के लिए तो चमत्कार जैसी बात है और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बहुतों के लिए चिन्ह है। और उसमें से तीसरी बात और ये भी है, बहुतों के लिए अन्य भाषा अपने ही पश्चाताप का मार्ग है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे तो कुछ बात ना बनेगी प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें आत्मज्ञानी होना होगा, आदर्श में और परिश्रम करने में जीवन की शक्ति है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये ज्ञान उसने हमारे भीतर डाला हुआ है, इसलिए प्रभु यीशु का आदर्श रखो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिश्रम करो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पॉल कहता है मैं सारी बातों से बढ़कर परिश्रम भी तो करता हूँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या गरीबी, क्या भूख, क्या कंगाली, क्या उघाड़ापन, इन सब से बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी से धीरज की शक्ति पैदा होती है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी कल्पनाओं से, हमें अपनी मिथ्य कल्पनाओं से निकलना होगा। कई बार आप सोते समय कोई सपना देखते हो रात को, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आपका मन, आपका ब्रेन उसी विचार को इल्यूजन करके आपके फिर सपनों में डाल देता है। ये आपके मन की बात है, ये मन का धोखा है। आप सोचते हो न जाने मैंने क्या पा लिया। बहुत लोग तो कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का वचन बहुत अच्छा था, मजा आ गया। परमेश्वर का वचन कोई मजे की बात नहीं है, ये कोई भी लूट ले प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कानों में तो पड़ेगा, बहुत लोग को अज्ञानता है, उन्हें लगता है आध्यात्मिक जीवन बड़े मजे की बात है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत लोग अन्य भाषा बोलेंगे, तालियां बजाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, फिर कहते आज बड़ा मजा आया। प्रियो, ये कोई मजे की बात नहीं है, ये तो महागंभीर रहस्यमय बात है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी तो तुम्हें आत्मज्ञान पाना है, तुम कहां मजे लेने आ गए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नीरे अज्ञानी हैं। इस अज्ञानता से दूर हो जाओ। यदि तुम्हारे मन के अहंकार ने भी भीतर ही भीतर अगर ये बात की कि आज तुझे बड़ा अच्छा लगा, तो धोखा है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको ये लगेगा कि आज तो बड़ा मजा आया, अध्यात्म की बातें, आत्मा की बातें रहस्यमय हैं, इसमें परमेश्वर धन्यवाद हो। संसार का कोई मजा नहीं है, रूह की मस्ती है, आत्मा की मस्ती है, आत्मा की सादगी है, आत्मा की खूंखारी है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा की गति है, आत्मा का तेज है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी प्रखरता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उसका पूर्ण ज्ञान है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों जागना है? होश में तो रहो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि होश में नहीं हो तो आत्मा का ज्ञान कभी ना पा पाओगे प्रियो। होश को जागना है, होश में जागना है, होश को जगाना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेहोशी का आलम है प्रियो, भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सातवीं बार कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे आगे आगे चलेगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, सीख लो
उन राज की बातों को जान लो, उन राज की बात को, लेकिन रब्बी तो बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना रब्बी के, बिना आदर्श के, बिना परिश्रम के कैसे जानोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिछले वचनों में मैंने आपसे कहा रब्बी तो अपने चेलों को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गलील की गलियों में से ले जाता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर गली से ना गुजरो, रूह की गली से ना गुजरो, तो महापवित्र मंदिर ना देख पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर बालाम गधी को गली से ना ले जाता, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या गधी कभी स्वर्गदूत देख पाती? गधी जीवन भर निरी गधी रहती, गधी के जीवन में कोई परिवर्तन ना होता। स्वर्ग का राज्य भी वचन में लिखा है, सकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है, गली की तरह है, सकरा रास्ता है, बिल्कुल गली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस रूह की गली से तुम्हारा रब भी तुम्हें ले जाएगा। अपने सिखाने वाले के अधीन रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आदर्श को प्राप्त करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञानी हो जाओ। सही तरीके से चीजों को समझना होगा। आत्मज्ञान जब तुम्हारे भीतर आएगा, तुम सत्य को समझोगे। वचन तो कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन बिना आत्मज्ञान को हम सत्य को जाने कैसे, सत्य का मुख देखे कैसे? सत्य का मुख तो अभी तक किसी ने नहीं देखा, बहुत कम लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर कहता हूँ जिन्होंने सत्य का मुख देखा, ऐसे परमेश्वर के संतों को तो सलाम है मेरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन आत्मज्ञानी हुए बिना तुम सत्य को जानो कैसे? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो नहीं सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सत्य का मुख कभी ना देख पाओगे। वचन कहता है तुम सत्य का मुख देखोगे, लेकिन बहुत मुश्किल बात लगती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कहता हूँ आदि और अनंत का ज्ञान हमारे भीतर डाला हुआ है। परमेश्वर ने वो आदि और अनंत का ज्ञान हमारे भीतर डाला हुआ है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के सिखाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मज्ञानी न हो पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए भजन संहिता 34:8 तो कहता ही है परमेश्वर कैसा है अनुभव से मालूम करो। बिना अनुभव के गए बिगर, बिना अनुभव के जाए, तुम कैसे जान पाओगे कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम खुद ही कैसे जाए हो? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुभव से मालूम करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आपको अपनी सीमित भूमिका को समझना है, हमको अपनी सीमित भूमिका को समझना है। मेरे खुदा ने मुझसे कहा है, परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। इसका मतलब अब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने कुछ जाना नहीं है, ये हमारी सीमित भूमिका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भ्रम में लोग आए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद, बेसब्रे से हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अन्य भाषा बोलने पे जब लोग आते हैं तो आपने कितनों को देखा कि लगता है बेसब्रे हो गए हैं, इनके ऊपर अपना तोल चला गया है। दे लॉस्ट देयर बैलेंसेस। वी फील मोस्ट ऑफ टाइम लाइक दिस। वी हैव टू चेंज आर सेल्फ। हमको अपने आप को बदलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम बेसब्रे ना हो जाए। मेरी भूमिका क्या है, मुझे अपनी सीमित भूमिका को समझना होगा। जिस दिन परमेश्वर का धन्यवाद आत्मज्ञानी हो जाएंगे, सत्य को जानेंगे, तब हम असीमित हो जाएंगे। तब तक हमारी भूमिका सीमित ही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल आप ये जानोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की हवाएं तुम पे बहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितने शारोन के गुलाब खिलेंगे, कितने वादियों के सोसन तुम पे खिल जाएंगे, आप जान भी ना पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम महकती हुई, हमारा जीवन महकती हुई बगिया के समान हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहने दो ये हवा तुम्हारे ऊपर से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसा कि श्रेष्ठ गीत उसका 4:16 में लिखा है, आप सुने। वचन कहता है, हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर वह जिसने उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। आपने सुना, वहाँ पे लिखा है, हे उत्तर वायु जाग, हे दक्षिण वायु चलिया, मेरी बारी पर से बह जिससे उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक तुम्हारे जीवन में ये पवित्र आत्मा की हवा ना चले, तुम्हारे जीवन की बगिया पे जब तक पवित्र आत्मा की हवा ना चले, कैसे तुम फल पाओगे,
कैसे तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे जीवन में आए, कैसे तुम्हारे जीवन के फलों को चुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है, ये शूनेमिन स्त्री कहती है कि हे उत्तर वायु जाग, हे दक्षिण वायु तू भी आ, मेरे बाग पे से बह जा ताकि मुझ में उत्तम फल आए और मेरा प्रेमी मेरे बाग में आकर मेरे फलों को चुन ले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो आत्मज्ञानी होने के लिए। पवित्र आत्मा की हवा जीवन में चलनी चाहिए। वादियों में परमेश्वर का धन्यवाद हो रूह की हवाएं हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कि शारोन के गुलाब खिल जाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो वादियों की, परमेश्वर का धन्यवाद हो सोसन खिल जाते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें भी यदि रूह में खिलना है परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुशबू से भरना है परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस जीवन को फलों से भर लेना है तो खुदा से रोज प्रार्थना करना होगा, हे उत्तर वायु जाग मेरे बाग पे से बह दे मेरा, ताकि मेरा प्रेमी आए मेरे बाग के उत्तम फलों को चुने। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना आत्मज्ञानी हुए परमेश्वर का धन्यवाद हो उत्तम फल आप नहीं पा सकते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी खुदा में आपसे गुजारिश है, मेरे खुदा में आपसे इल्तजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा में एक ही ख्वाहिश है कि या खुदा ये तेरे लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो आत्मा के ज्ञान से भर जाए। तू बार बार कहता है मेरी आत्मा तुम्हें सिखाएगी, आप सिखा देना है मेरे खुदा। खुदा उन यीशु नासी की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे, इस जीवन की बगिया पे पवित्र आत्मा की हवा बहने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ी खुशबू फैले ताकि हमारा प्रेमी आके मेरे बाग के उत्तम फल को चुन सके। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आपके साथ हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आखिरी बार फिर कहता हूँ, वचन कड़वा लगे, पेट को कड़वा करे, परमेश्वर का धन्यवाद, तैयार रहना, स्वीकार कर लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि भ्रम की दुनिया से हमने के पवित्र आत्मा में अन्य भाषा ही बोलना केवल काफ़ी नहीं है, आत्मज्ञानी होना होगा। खुदा की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे, आमीन। तो आओ प्रियो एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी भूल चूक को समझे। जैसे पवित्र शास्त्र वचन कहता है, कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है। यदि आज हम अपनी भूल चूक को समझ जाएं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पल दूर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप आत्मा के ज्ञान से भर जाओगे, हम आत्मा के ज्ञान से भर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सावधान रहे, कौन अपनी भूल चूक को जान लेता है और मान लेता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। या मेरे खुदावंद यीशु नासी, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी हमारे जीवन में भूल चूक और ना समझी हुई प्रभु क्षमा कर। प्रभु तेरा वचन कहता है, कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, आज तेरे इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमने जाना है कि हमें कुछ और आगे चलना है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, होने दे प्रभु जी, तेरा आत्मा सिखाए और हम आत्मा के ज्ञान से भर जाए। पिता परमेश्वर तेरे आत्मा का ज्ञान हमारे भीतर उमड़ के आ जाए प्रभु जी, हम नकलइयों की रीति पे चल के नकल करने वाले नहीं पिता परमेश्वर, पर तेरे आत्मा के सिद्ध ज्ञान से लबरेज हो जाएं, लबालब हो जाएं। आए खुदा ये तेरी काम है, तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर। हे खुदा ये सृष्टि तूने बनाई है पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा के सत्य ज्ञान से पिता परमेश्वर भर दे। खुदावंद यीशु नासी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आए रब्बी, आए खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, हरेक के हृदय को चंगाई बख्श, हरेक के मन को चंगाई दे पिता परमेश्वर, हरेक की बुद्धि को चंगाई दे पिता परमेश्वर। अहंकार के रोग हम में से निकल जाए, झूठी धार्मिकता के कीड़ा हम से निकल जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी रूह में पिता परमेश्वर बुलंद हो जाए। आए खुदावंद यीशु नासी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों को तू काबिल बना पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर काबिल बना। आए खुदावंद यीशु नासी अपने लोगों को तू काबिल बना परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी रूह के सारी महिमा से भर दे। खुदावंद यीशु नासी हर एक सुनने वालों के हृदय में पिता परमेश्वर तेरी बात सच्चाई से समझ में आए, ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। आमीन।